आम आदमी पार्टी में मेरा ये मानना है कि पार्टी ही एक तरह से मैं कहूँ कि लुटेरों का गैंग है। अरविंद केजरीवाल ने भेजा उत्तराखंड में मोनिया एंड कंपनी, ये लुटेरों का गैंग है। सब लोगों ने उसके खेल को समझा, एक एक कर सबने छोड़ दिया और अब मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद ये यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट के केजरीवाल की गोद में बैठेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जो पूरा यहाँ पर जो स्टाफ आया हुआ है, ये स्टाफ है, ये राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, सब पेड वर्क है, सबको तनख्वाह मिलती है, सब पैसे के लिए काम करते हैं। यहाँ तक जो इनके रिपोर्टर्स हैं वो भी पेड है, वो कोई आपको स्वतंत्र पत्रकार नहीं है। तमाम लोगों ने जिनमें संभावनाएं थी थोड़ी बहुत युवाओं में, सब लोगों ने इनको छोड़ दिया और ऐसे नहीं छोड़ा, सब ने आरोप लगाया। एक बार का कहना था कि हमारी पार्टी जो है भ्रष्टाचार हटाने की बात करती है, हम दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार लोगों की पार्टी हमारी है, ये सबसे ज़्यादा करप्ट लोगों की पार्टी है, ये ब्रांडेड झूठे लोग। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा कर पाएगी 2022 में? मैंने बता दिया, ये 00 00। उत्तराखंड में इन दिनों चुनावी माहौल खूब गर्म है, लेकिन उत्तराखंड में आई आम आदमी पार्टी के हाल बेहद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे, और उसकी मुख्य वजह यह है कि पार्टी से उनके कई महत्वपूर्ण लोग पार्टी छोड़कर दूसरी दलों में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, रायपुर विधानसभा और मसूरी विधानसभा के प्रभारी त्रिलोक सिंह सजवाण से। उनसे जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा। सर, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप पार्टी में उस समय जुड़े जब पार्टी को लोग यहाँ कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था और आपने पार्टी का दामन थामा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के वक्त में जब आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आम आदमी पार्टी थी, तो पार्टी को थी, तो आप लोगों ने पार्टी छोड़ दी? धन्यवाद आपका। आम आदमी पार्टी में मेरा ये मानना है कि पार्टी ही नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है बिल्कुल उस तरह का व्यवहार है, और पूरा ढांचा जिस तरह प्राइवेट कंपनियाँ चलती हैं जिसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं है। कार्यकर्ता इमोशनल होता है, उसको इमोशन से जुड़ता है, लेकिन ये प्रोफेशनल्स लोग हैं और इनका पूरा काम जो है ये एक तरह से मैं ये कहूँ कि लुटेरों का गैंग है। जो अरविंद केजरीवाल ने भेजा उत्तराखंड में मोनिया एंड कंपनी, ये लुटेरों का गैंग है, ये पूरा प्रोफेशनल, ये उत्तराखंड में इन्होंने, मैं क्या सभी लोगों ने कहा है, जितने महत्वपूर्ण लोग इस पार्टी में आए थे और जिस भावना से आए थे, वो चाहते थे कि उत्तराखंड में एक तीसरा विकल्प बने, उसकी सोच को लेकर आए थे, लेकिन सब लोगों को निराश होकर इस पार्टी को छोड़ना पड़ा। इसकी वजह थी कि बिल्कुल ये पार्टी है ही नहीं, ये एक प्राइवेट कंपनी है, और लोगों को, क्योंकि लोग यहाँ पर पढ़े लिखे और समझदार राजनीतिक रूप से लोग बड़े परिपक्व हैं, वो जानते हैं कि पार्टियाँ कैसे चलती हैं, तो लोगों को रास नहीं आया। इनके जो पॉलिसीज थी, इनके जो प्रोग्राम थे, सारे फेक प्रोग्राम थे, झूठ पे आधारित थे, झूठ बोलने की बिल्कुल, ये जो है भाजपा के बाद ये भाजपा से बड़ी टीम है ये, और ये मैं तो इनको मानता हूँ उत्तराखंड में ये एक योजनाबद्ध तरीके से भाजपा की बी टीम बनकर आए, कांग्रेस को हराना इनका मकसद था, उस मकसद में ये कामयाबी नहीं हुए, और उस मकसद का जब लोगों को पता चला, कार्यकर्ताओं को, जो नेता थे यहाँ जमीन से जुड़े हुए लोग थे, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को, राजनीतिक स्थितियों को जानते थे, सब लोगों ने जब इनके खेल को समझा तो एक एक कर सबने छोड़ दिया, और अब मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद ये यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट के केजरीवाल की गोद में बैठेंगे। सर, एक बड़ा चीज़ ये है कि आपकी क्या वजह रही, आपने क्यों छोड़ा? जी, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता रहे बहुत लंबे समय से, हम कांग्रेस में इतने लंबे समय तक रहे, उससे पहले हमने समाजवादी पार्टी का भी गठन किया था और उत्तराखंड आंदोलन के बाद उस पार्टी को छोड़ा था, उसकी परिस्थितियाँ, क्योंकि उत्तराखंड जब रामपुर त्रिहा कांड हुआ तो मुझे पार्टी को छोड़नी पड़ी थी, लेकिन हमने पार्टी भी खड़ी की, हमने कांग्रेस में भी बहुत लंबे समय तक उस पार्टी को खड़ा किया, लेकिन हमें वो पार्टियाँ लगती थी कि पार्टियाँ हैं, ठीक है, कार्यकर्ता हैं, दूसरे से इमोशन है, जुड़ाव है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ये पार्टियाँ नहीं थी। तो मेरा इनसे जो है ना मन खट्टा हुआ, क्योंकि इनकी, मैं इनके प्रभारी से मेरी बात हुई, दिल्ली में मेरी बात हुई, तो ये झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। मुझे इनके जो प्रभारी हैं दिनेश मोहनिया दिल्ली में, जिनका संगम बिहार में जो जल बोर्ड का कार्यालय है वहाँ, इन्होंने उत्तराखंड के मेरे साथ और भी लोग गए हुए थे, तो इन्होंने एक मुझे बताया कि हमने एक सर्वे करवाया, हम हर एंगल सर्वे करवाना है पूरे प्रदेश में, जगह जगह हम ये करेंगे वो करेंगे, और जो हमारे इंटरनल सर्वे हैं उसमें हमारा जो वोट स्विंग है वो 24% से ऊपर जा रहा है, कांग्रेस को उससे नीचे बताया इन्होंने,
फिर मुझे लगा, क्योंकि हम तो राजनीतिक रूप से धरातल जमीन को देख रहे थे कि कौन कहाँ खड़ा है, थोड़ा कोई आगे कोई पीछे, सब लोग जानते हैं कौन आगे पीछे खड़ा है, कौन बराबरी में है। लेकिन उन्होंने अपने को दूसरे नंबर पर बताया, कांग्रेस को तीसरे पर बताया, और इनका कहना था कि हम जो है 20 सीटें तो हमारी जीती हुई हैं, बाकी 10 सीटों में हम संघर्ष में हैं और हमारे बिना उत्तराखंड में सरकार नहीं बनेगी। तो मैं तभी समझ गया था ये लोग, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, ये झूठ बोलकर लोगों को भरमा कर। और आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जो पूरा यहाँ पर जो स्टाफ आया हुआ है, ये स्टाफ है, ये राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, सब पेड वर्कर है, सबको तनख्वाह मिलती है, सब पैसे के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि जो इनके रिपोर्टर्स हैं वो भी पेड है, वो कोई आपको स्वतंत्र पत्रकार नहीं है, वो भी पेड वर्कर है। तो ये सब लोग पेड हैं, कंपनी के जो है ये कर्मचारी है, मुलाजिम है, ये उस तरह से काम करते हैं। तो इसलिए इनकी यहाँ पर जड़ें जमीन सकती थी, क्योंकि इस बीज में ना खाद था ना पानी था, तो उस बीज ने यहाँ जमना ही नहीं था, तो इसलिए इनकी दुर्गति होनी निश्चित थी। और मुझे जब लगा कि ये इनके बस का कुछ है नहीं, तो मुझ समेत तमाम लोगों ने, जिनमें संभावनाएं थी थोड़ी बहुत संभावनाएं, सब लोगों ने इनको छोड़ दिया। और ऐसे नहीं छोड़ा, सब ने आरोप लगाए इन पर, अधिकांश लोगों ने, क्योंकि मैंने टिकट की दावेदारी इनसे की नहीं, मेरे तो मैं समझ चुका था इनका खेल क्या है, तो मैंने टिकट की दावेदारी की नहीं। लेकिन जो फिर भी टिकट लड़ने की प्रत्याशा में थी कि शायद टिकट मिल जाए, तो उन लोगों से आप अगर जाएं या उनसे बात करें, ऑन द रिकॉर्ड भी लोग बोल रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो बोल ही रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी लोग बोल रहे हैं, और तमाम इस तरह के ऑडियो, कई तरह की वीडियो हैं, मेरे पे हैं, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा आपके उसको चैनल को, आप उसको चला सकते हैं, लोगों की बातचीत बता रहा हूँ। पैसे का खुला आरोप लगा रहे हैं हर सीट पर, जो लोग जीतने की संभावना वाले थे, लेकिन अगर पैसे से कमजोर थे। और इनका कहना था कि हमारी पार्टी जो है भ्रष्टाचार हटाने की बात करती है, हम दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार लोगों की पार्टी हमारी है, ये सबसे ज़्यादा करप्ट लोगों की पार्टी है, ये ब्रांडेड झूठे लोग हैं। ये सिर्फ इन्होंने दिल्ली में 600 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात को लेके, जो कोरोना की महामारी हुई, जो उससे पहले जो भी डेंगू हुआ, जैसे डेंगू था दिल्ली में डेंगू हुआ, तो ये पूरा मतलब पूरा वो सीरा, कोई जब उसको इलेक्ट्रॉनिक उसको देखें, प्रिंट मीडिया को देखें, तो सब तरह के मीडिया में आपको बहुत बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप घर ना 9 से 10 बजे घर साफ करें, और उसके लिए करोड़ों रुपये खर्चा करते हैं विज्ञापन में। तो ये ब्रांडिंग है टोटली। सर एक सवाल और है कि मसूरी और रायपुर विधानसभा के प्रभारी आपको बनाए गए थे, तो आपकी जिम्मेदारी थी लोगों को जोड़ना, तो ऐसा क्या रहा कि आप लोगों ने पार्टी छोड़ दी लोगों को जोड़ने की जगह? मैं इस पर कहना चाहूँगा कि इस पार्टी ने जो मसूरी और रायपुर देख रहे थे, और हम आज से नहीं, हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं, छात्र राजनीति से लेके मसूरी का मिजाज जानते हैं कि मसूरी जब पूरी मसूरी थी तब वो सीट अलग मिजाज की थी, आज की जो मसूरी सीट है उसका मिजाज थोड़ा अलग है, छोटी हो गई। पहले एक सीट थी, उसकी लगभग ये 3 सीटें बन चुकी हैं मोटे तौर पर। मसूरी रायपुर को हमने देखा भी और समझता भी उस सीट को, तो जो उसका कैंडिडेट होना चाहिए, जो प्रत्याशी होना चाहिए था, वो किस तरह का होना चाहिए था, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए था, वो मैं तो जानता हूँ उस बात को। तो मैंने देखा कि उनके जो प्रत्याशी हैं मसूरी को लेके स्थिति साफ नहीं थी बिल्कुल, कोई मसूरी जो प्रत्याशी, वो प्रत्याशी में कई लोग थे, लेकिन जो कह रहे थे कि हम लड़ेंगे साहब, वो बहुत कमज़ोर लोग थे, और वो यहाँ के मूल रूप से रहने वाले भी नहीं थे। ठीक, रायपुर की बात थी, रायपुर में अच्छे लोग उन पे थे, उस वक्त अच्छे लोग थे उसमें। अगर मैं अपने को अलग करता हूँ, मैंने बाद में जो इरादा ही छोड़ दिया दिल से, लेकिन उसके बाद दो लोग थे, भूपेंद्र फरासी थे, रविंद्र जुगराण थे, अच्छे चेहरे थे, लोग उनको जानते हैं, वो यहाँ पर किसी न किसी रूप में छात्र राजनीति में रहे, रविंद्र जुगराण एक वो उनका एक चेहरा था, किसी भी रूप में था, भूपेंद्र फरासी जो भी थे तो कैंडिडेट ठीक थे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और रविंद्र जुगराण ने थोड़ा पहले छोड़ी, भूपेंद्र फरासी ने भी खिन हो गई, पार्टी छोड़ दी। तो इन दोनों सीट को मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो क्या करे, जो मसूरी में तैयार करे उन्हें रायपुर ले आए, अब उन्हें कोई जानता नहीं है, पहचान का संकट है। और राजनीति तो फेस वैल्यू का काम है, अगर जब तक आपका फेस नहीं होगा तो आप चुनाव कैसे लड़ोगे। तो इसलिए इनकी 10 तारीख को जो है ना ये स्वीपर रहेंगे, और इनका जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ ये शून्य पे रहेंगे। सर एक चीज़ ये है कि कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए आपको कहा था, तो आपने किस तरीके के कार्यकर्ता जोड़े? कार्यकर्ताओं में जिसे जोड़ने का मैं कह रहा हूँ ना, राजनीति को भावनात्मक रूप से जोड़ना पड़ता है, जब तक आप कार्यकर्ता से भावना से नहीं जुड़ेंगे तो आपसे नहीं जुड़ पाता, 2 दिन जुड़ेगा तो इसमें आएगा नहीं आपके पास। तो
तो कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए पहले उसकी मन को समझना, उसकी बातों को समझना और फिर अपने से जोड़ना, तभी तो कारवां बनता है। एक से एक मिलके 11 होते हैं, फिर कारवां बनता चलता है, पार्टियां और संघर्ष ऐसी, आंदोलन ऐसी बड़े होते हैं। ठीक, तो मेरा इन पे कहना है कि ये पूरी तरह से पैसे पर, इनका फोकस पैसे पर था। तो पैसे वाले कार्यकर्ता नहीं, पैसे वाले नहीं, इनका था कि किसी तरह से पैसे वाले लोगों को जोड़ो, उन्हें बहकाओ। इन्होंने पहले बहकाने का काम किया, एक सीट पे जो भी आया उसे बोला कि आप तैयारी करो, आप तैयारी करो। अब तैयारी का मतलब समझ रहे हैं आप कि फंड पैसा, ये आज उनकी रैली होनी है, आज वो मनीष सिसोदिया आएंगे। मनीष सिसोदिया कार्यक्रम हमने किया सर्वे ग्राउंड में, आपको पता होगा सर्वे का, वो के पास जो ऑडिटोरियम में किया, वो इतना फेंक, देखो मैंने उसमें अपने उससे, क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा था, मुझे कहा गया था, मैं क्योंकि हमारा लोग सामाजिक संपर्क हैं लोगों से, तो मैंने विभिन्न जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे गढ़वाल सभा देहरादून में, तो उत्तराखंड में पर्वतीय लोगों की बड़ी, बहुत बड़ी संस्था है वो, और एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, उसके अध्यक्ष जी को भी और उसके महासचिव जी को भी मैं निवेदन किया, क्योंकि मैंने कहा ये खुला मंच है और टाउन हॉल नाम का एक प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उसमें आप आएँ और अपनी बात को रखें कि उत्तराखंड कैसे अच्छा बनाना है। तो उन्होंने बड़े लॉलीपॉप से लोगों को दिए, तो वो आए, गोरखाली सुधार सभा के जो अध्यक्ष हैं वो आए, वो मैंने व्यक्तिगत तौर मेरे बुलावे पर आए, वो पंजाबी महासभा है यहाँ, उसके सचर जी हैं, वो भी आए। इसके अलावा स्पोर्ट्स से लेके उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के, मैंने उन लोगों को पर्सनली, सब लोग आए उस हॉल में। और उसमें क्या था, प्रश्नोत्तर होना था, सवाल जवाब होने थे कि दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड में आप क्या करेंगे। तो मनीष सिसोदिया एंड टीम, जो उनकी मैनेजमेंट टीम है, ये पूरी मैनेजमेंट की टीम है, जैसे आप देखते हैं ना इवेंट्स मैनेजमेंट, टोटल इवेंट मैनेजमेंट है इनका। तो ये सब इनका पूरा जो तैयार, स्टूडियो से लेकर सब पूरा तैयार करके दिल्ली से लोग आते हैं, वो तैयार करते हैं। आम जो देहरादून का या उत्तराखंड का जो भी नेता है, कार्यकर्ता, उसकी कोई भूमिका उस पर नहीं होती, न उन्हें वहाँ आने दिया जाता है। तो जो सवाल उठकर आ रहे थे वो सवाल मतलब तय थे कि क्या और कौन बोलेगा। जिन लोगों से उस हॉल में बुलवाया गया, जबकि देहरादून छोटा शहर रहा है और यहाँ के अगर कोई प्रमुख लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, तो एक दूसरे को जानते हो, और सवाल अगर मेरा नंबर नहीं आया तो इसका है, उसमें से कोई किसका कोई सवाल नहीं लेने को। तो जैसे पर्ची उठाए वो तय था कि क्या बोल रहा है, कि दिल्ली में आप सब इस एजुकेशन पे कर रहे हैं, वो सवाल जो उनके माफिक है, सिर्फ वही सवाल उठाए जाते थे, उन सवालों के मनीष सिसोदिया वही रटे रटाए जवाब देते थे, और जो यहाँ के जो तीखे सवाल थे उनसे बचा गया लोगों ने। ये कहा जा सकता है कि जो ये कहा प्रबुद्ध लोगों का जो सम्मेलन था वो पेड़ था, उनके लोग आए हुए थे, उन्हीं लोगों ने सवाल पूछे, उन्हीं के सवालों के जवाब दिए गए, जो स्थानीय लोग थे उनको केवल नाम मात्र के लिए बुलाया गया था। संख्या उन लोगों की थी जो यहाँ के जो सामाजिक और जो प्रबुद्ध लोग थे वो लोग थे, लेकिन सवाल चौथे से पांचों सब, सिर्फ पांच सवाल हुए उस कार्यक्रम में, पांच सवाल के इतने डिटेल जवाब दिए गए, घंटा हो गया। और जो जो लोग सवाल पूछने वाले थे वहाँ हॉल में बैठे हुए लोगों ने, बाद में तुम्हारे कपड़े फटने की नौबत आ गई थी, लोगों ने कहा ये आपने हमें कहाँ बुला दिया, आपने तो कहा था कि आप सवाल करें उत्तराखंड कैसा बनाएंगे, क्या होगा, हमारा सवाल होगा क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं तो जवाब वो देंगे, लेकिन ये तो फिक्स प्रोग्राम है। तो मैंने कहा उनको पार्टी के जो जिम्मेदार लोग थे वहाँ, सह प्रभारी जिस कार्यक्रम को जो कर रहे थे, मैंने कहा भाई तो फिक्स प्रोग्राम पर रखा तुम लोगों ने, कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो बगले झांकने लगे। मैंने कहा भाई हमारे तो कपड़े फाड़ देंगे लोग, हमने तो भावना से लोगों को बुलाया कि लोग सवाल करेंगे कि आप उत्तराखंड में ये क्या करेंगे। लोग तो ये तक पूछ रहे थे कि दिलवर नेगी हत्याकांड में आपकी भूमिका क्या, तो सवाल आपका जवाब देना बनता था। इन्होंने इस तरह का कोई सवाल, तीखा सवाल था वो, लेकिन उसका जवाब क्योंकि इन्होंने देना था नहीं, ये तो सिर्फ लोग लुभावों ने इन्होंने सवाल उठाए, वो इसको जवाब दे दिए, फेक प्रोग्राम सारे। तो सर आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा कर पाएगी 2022 के विधानसभा चुनाव, लगता है कि कुछ सीटें निकाल पाएंगे? मैंने बता दिया ये 00 पर रहेंगे, 00। मैं इन्हें पहले भी, इनके जो जिम्मेदार लोग थे, मैंने उनको बताया था कि भाई एक एक सीट का मेरे से एनालिसिस कर लो बैठकर, आप जो बाहर बोर्ड तो हम सरकार बनाएंगे, सरकार तो छोड़ो ये विधायक जब तक नहीं बनेंगे, सरकार बिना विधायक कैसे बन जाएगी, है ना। तो उसके अलावा ये मैंने हमको रिजल्ट बता दिया, मैंने इनको एक एक सीट गिनाई, और कम से कम जो जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पर इतने सालों से जानता हूँ, उत्तरकाशी से लेके टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, मैं कुमाऊँ की बात नहीं करता, मैंने डिटेल में कुमाऊँ की बात ही नहीं की, लेकिन गढ़वाल मंडल में इन जिलों में मैं एक एक सीट पर मैंने कहा बात कर लो कि ये प्रत्याशी किस प्रत्याशी क्या हैसियत है और आप कहाँ हो उस पर काम करो। तो
वो सब जनता सब जानती है, अखबार लोग सब पढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इन ये मेरे ख्याल से चौथे नंबर की लड़ाई पे भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ त्रिलोक सिंह सजवाण जी, और जो बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी जीरो पर ठहरेगी। लेकिन एक सवाल और उनसे बनता है कि जो कर्नल अजय कोठियाल हैं, जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, पहाड़ी मूल के हैं, क्या कर्नल साहब जीतेंगे या कर्नल साहब से भी आप लोगों ने बात की? कर्नल साहब मेरे मतलब कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, हमारी हम डीएवी कॉलेज में एक साथ पढ़े हुए हैं, तो तब से उनको मैं जानता हूँ। भले आदमी हैं, भोले आदमी हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं। वो इनके ट्रैप में आ गए। कर्नल कोठियाल अच्छे आदमी हैं लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं हैं। इन्हें ऐसे आदमी की जरूरत थी, उन्हें इन्होंने जो है भरमाया कर्नल कोठियाल को। और अब उत्तरकाशी में मेरा खुला दावा है कि वहाँ लड़ाई भाजपा कांग्रेस की, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई। कर्नल साहब के लिए बहुत संघर्ष है वहाँ। जमानत को मैं तो नहीं बोलता हूँ, वहाँ पर कितना जो है वोट में कितना पड़ रहा कि कितना पड़ेगा उसका 17% जो भी होगा जमानत 1/6 पे होगी ना जमानत, तो वो क्रॉस करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले में नहीं है। मुख्य मुकाबले वहाँ कोई भी सीट नहीं जीतेगी। नहीं मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ चौथे नंबर पर भी संघर्ष है, चौथे नंबर पर भी संघर्ष है। धन्यवाद। तो ये थे त्रिलोक सिंह सजवाण जी, जिन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक पार्टी के तौर पर नहीं, एक कंपनी के तौर पर पहुंची है, जो कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ना चाहती बल्कि एजेंट को जोड़ना चाहती है, जो पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करे। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिस्ट के साथ सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून।